इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2011 के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, ए प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस R1 एंड फार्देस्ट अवे एट ए डिस्टेंस ऑफ R2। अगर V1 और V2 उनकी लीनियर वेलोसिटी हो तो V1 और V2 का रेशो बताइए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये सन है और ये प्लैनेट है तो सन और प्लैनेट का कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग इस प्रकार से रहता है कि सन एक फोकस पर रहता है। अगर ये माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस हो तो सन यहाँ पर होता है और प्लैनेट यहाँ पर होता है। तो सन जो सबसे अवे कहाँ होगा, इस पोजीशन पर, और सबसे नजदीक वो यहाँ कहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली दिस। तो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ पोजीशन। अब ये बोल रहे हैं, मान लीजिए इस पोजीशन पर प्लैनेट की वेलोसिटी V1 है और यहाँ है V2, तो V1 और V2 का जो रेशो है वो पूछा जा रहा है हमसे, V1 और V2 का रेशो। फाइन, देखिए मैंने कल भी इस सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि ये सिस्टम कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का केस है। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम अगर होगा तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1 और इस लोकेशन पर एंगुलर मोमेंटम होगा I2 ओमेगा 2। और क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो I1 ओमेगा 1 जो है वो I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1r1² और ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी इस पोजीशन पर कितनी होगी, वो होगी आपके पास v1 डिवाइडेड बाय r1। सिमिलरली i2 कितना होगा, m2r2² और ओमेगा 2 क्या होगा, v2 डिवाइडेड बाय r2। देखिए मास, क्योंकि बॉडी आपके पास एक ही है तो दोनों मास सेम होंगे, इसलिए मास कैंसिल, r1 से r1 कैंसिल, r2 से r2 कैंसिल। तो आप देखेंगे r1 v1 बराबर होगा r2 v2। तो v1 बाय v2 आपसे पूछा जा रहा है तो वो r2 बाय r1 के बराबर होगा। ये एक स्टैंडर्ड केस है, रेफरेंस केस है। आप इस केस को यूज कर सकते हैं किन्हीं भी दो लोकेशन के लिए, यानी दो लोकेशन में अगर V1 और V2 पूछा जाए तो वो उनके R2 और R1 के इनवर्स रेशो के बराबर होता है। V1 by V2 is equal to होता है R2 by R1। ये 2011 में अपीयर हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ ही 2011 मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ सर्फेस से कोई पार्टिकल को थ्रो करते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू से, मास और रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी हुई है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पूछ रहे हैं। इट इज क्वाइट सिंपल, अंडर रूट 2gm बाय r। अगर इसकी वैल्यू पूछ ली जाए, जब आप जी एम और आर को पुट करेंगे तो ये आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाता है। यानी अर्थ सरफेस से अगर आप किसी बॉडी को फेंकें और वो इस स्पीड से फेंका जाए कि एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर हाइट पर चला जाए, देन द बॉडी विल नॉट रिटर्न बैक, बॉडी वापस नहीं आएगी। बट हमारे इस क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ फार्मूला पूछा था, तो ये फार्मूला है, ठीक है। ये 2011 का क्वेश्चन था मेंस में जो अपीयर हुआ था। एक और क्वेश्चन जो मेंस 2011 और 2010 दोनों में आया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस a। यानी एक स्फेरिकल शेल है जिसका कुछ मास दे रखा है कैपिटल m और इसका रेडियस दे रखा है a। इसमें a बाई 2 डिस्टेंस के ऊपर इतने ही मास का एक और ऑब्जेक्ट, सॉरी एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेल, ओके, ये जो एक और स्मॉल कैपिटल m मास का ऑब्जेक्ट इसके सेंटर पर रखा हुआ है। यानी दो ऑब्जेक्ट है, एक सेंटर पर रखा हुआ है और एक ये बॉडी है जो कि होलो बॉडी है, होलो स्फीयर है, ठीक है। आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है a बाई 2 डिस्टेंस पर। यानी a बाई 2 अगर हम डिस्टेंस ले लें तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पे पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी Vp। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर दो अलग अलग पोटेंशियल होंगे, एक इस बॉडी का और एक इस बॉडी का, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, आप दोनों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, ओके फाइन। तो चलिए दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, देखिए कोई भी सफियर है, होलो सफियर, उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक सब जगह पे पोटेंशियल सेम होता है। तो ये जो बड़े वाला सफियर है इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, आप उसे V1 या V बिगर कह सकते हैं, VB, दैट विल बी माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय A। इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक सब जगह पर इतना ही पोटेंशियल होता है, ओके फाइन। बट ये जो मास है m, ये सेंटर पर है और ये पॉइंट इसके बाहर है, तो जो स्मॉलर बॉडी है उसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है a बाय 2। तो ये दोनों पोटेंशियल हुए, इनको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा v बिगर प्लस v स्मॉलर
ये आ जाएगा माइनस जी एम बाई ए माइनस जी एम बाई ए बाई टू, तो ये टू ऊपर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री जी एम डिवाइडेड बाई ए। बट आपको बुक में जो आंसर दिए हैं वो सारे पॉजिटिव आंसर दिए हुए हैं, तो यानी इसके मॉडुलस की हम बात कर सकते हैं, तो जो 3gm डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, ओके फाइन। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास अपीयर हुआ था मेंस 2011 में भी और मेंस 2010 में भी, तो अब तक जो भी वीडियोस हमने देखे हैं उनमें हमने डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन के चैप्टर से 2010 से लेकर 2017 के बीच में नीट या पीएमटी के एग्जाम्स में अपीयर हुए थे। कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।